इसराइल और फिलिस्तीन के लोगों के लिए कोई राहत नहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों के बीच युद्ध 9वें दिन भी जारी है। जैसे ही ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तेज हुआ, इसराइल रक्षा बलों ने गाजा में हमास आतंकवादियों के प्रमुख ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। हमास के हमले के बाद इसराइल की उच्च स्तरीय जवाबी कार्रवाई में हजारों लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार IDF ने कहा कि वह गाजा पट्टी में एक महत्वपूर्ण जमीनी ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर रहा है। इसमें जोर दिया गया कि ऑपरेशन में हवा, समुद्र और जमीन से संयुक्त और समन्वित हमला शामिल होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई कि इसराइल हमास को धरती से मिटा देगा। सेना द्वारा गाजा पट्टी में जमीनी आक्रमण शुरू करने की उम्मीद है। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने 14 अक्टूबर को गाजा सीमा पर फ्रंट लाइन का दौरा किया। उन्होंने फ्रंट लाइन में तैनात इजरायली सैनिकों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया।